अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि, जिसके नाम से सूर्य को पूरे साल भर जाना जाता है, इसी से कहते हैं मकर की संक्रांति। मकर संक्रांति जनवरी का महीना होता है, सूर्य उस राशि में आता है, उस राशि में क्षीण अवस्था में होता है, उसकी अवस्था बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर से जनवरी के अंदर एंट्री करता है तो मकर में आता है। अब मकर की संक्रांति आ गई है तो सूर्य को ठीक करो, अगर सूर्य ठीक नहीं होगा तो हमारी फसल नहीं पकेगी। तो सूत का दान दिया जाता है, जो हमारे यहाँ पतंग उड़ाई जाती है ना मकर संक्रांति को, उसका वास्तविक अर्थ क्या है पता है आपको? हम लोग एक उत्सव की तरह बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं लेकिन हमें वास्तविक अर्थ नहीं पता। हम जब पतंग उड़ाते हैं तो पतंग उड़ाने के बाद लास्ट वाली पतंग को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? कि वो सूत का दान दे रहे हैं, हम सूर्य को सूत का दान दे रहे हैं कि आकाश की तरफ ये वो गया है, अब ये सूत कहीं जाएगा तो किसी पक्षी के काम आएगा। पूरे भारत के अंदर मकर संक्रांति को सूर्य का दिन माना जाता है कि उस दिन सूर्य को जल देना, सूर्य का दान देना, काली सफेद चीजों को दान देने से सूर्य में लाभ होता है, क्योंकि मकर में सूर्य थोड़ा सा निर्धन हो जाता है, कमजोर हो जाता है और भाग्य भी कमजोर हो जाता है उसका, और उनको थोड़ा सा कच्चे लालच का स्वभाव होता है। जैसे कहीं नौकरी कर रहे हैं और थोड़ी सी भी कहीं पर कोई ये किसी ने लालच दिया तो उस जगह को छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। तो ये मकर में जिनका सूर्य होता है उन लोगों के साथ ये दिक्कत रहती है, वो मेंटेन नहीं कर पाते। जैसे बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन पेशेंस कम होता है। किसी ने कहा कि वहां पर ज्यादा अच्छा पैकेज है तो पता चले 19-20 के अंतर में भी छोड़ के चले गए। तो वो लोग होते हैं वो मकर राशि, मकर में जिनका सूर्य होता है उन लोगों का होता है। कोई खास उपाय जो मकर राशि के जातकों को करना चाहिए? मकर राशि वालों को सूत का दान, सूत का दान, काले सफेद वस्त्र देने चाहिए, किसी भी जरूरतमंद को दे जी, काले सफेद वस्त्र दे, उससे बहुत लाभ होगा। जल की राशि भी है ना तो वैसे भी लाभ होता उन्हें। और ऐसे लोगों को, जिन लोगों में तिल तो खैर हमेशा 12 महीने नहीं आते, गुड़ और तिल से बनी चीजें भी देने से लाभ होता है। तो गुड़ तो हमेशा मिलेगा लेकिन तिल तो नहीं मिलता, लेकिन काले सफेद वस्त्र और गुड़ और तिल देने से उनको लाभ की स्थिति आती है, उनको ये करना चाहिए। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि मकर राशि के जो जातक हैं और ऐसे में सूर्य का गोचर आपकी राशि में हो रहा है तो यह समय आपके लिए ज्यादा अनुकूल नहीं है, तो ऐसे में आपको थोड़ा संभल कर रहना चाहिए और सफेद और काले वस्त्र आपको दान में देने चाहिए किसी जरूरतमंद को।